एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइक्लिस्ट की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक गुड हाइपोथेसिस की विशेषता क्या होती है और हाइपोथेसिस के टाइप की। तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने बात किया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके डिफिनीशन को। तो इस वीडियो में हम विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं हाइपोथेसिस की विशेषता की, यानी एक गुड हाइपोथेसिस की विशेषता की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हाइपोथेसिस क्या है वो जान लेते हैं। तो हाइपोथेसिस में हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव और थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग जानें तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम है उसका टेंटेटिव स्टेटमेंट या प्लान। तो ये था हाइपोथेसिस। अब हम जानेंगे कि एक गुड हाइपोथेसिस की विशेषता क्या होती है। तो चलिए हम जानते हैं। तो हमारी पहली विशेषता है हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, यानी हमारा हाइपोथेसिस जो है, यानी परिकल्पना जो है, वो क्लियर यानी साफ और सटीक होना चाहिए। अगर ये साफ और सटीक नहीं होता है तो हमारा हाइपोथेसिस की जो हमारे हाइपोथेसिस का जो परिणाम आएगा वो रिलायबल नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरा है हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, यानी हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जांचनीय होना चाहिए, जांचने योग्य होना चाहिए। तो हमारी तीसरी विशेषता है हाइपोथेसिस शुड बी पार्सिमोनियस, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं मितव्ययी, जिसका मतलब होता है हमारा जो हाइपोथेसिस है उसकी जांच करने में कम से कम समय, धन की ज़रूरत हो और अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। ठीक है। तो अब हमारा चौथा हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी एंड फैक्ट, यानी हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो हमारे रिलेवेंट स्टडी यानी थ्योरी और फैक्ट से फैक्ट में एग्जिस्ट करता हो, यानी वो रिलेटेड हो। तो अब हमारा पांचवा हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस शुड बी प्रोवाइड मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस एंड इट शुड बी जनरल इन स्कोप, यानी हमारा जो हाइपोथेसिस होना चाहिए उसका कॉन्सिक्वेंसी यानी परिणाम संभव हो और वो हमारा जनरल वे में होना चाहिए हाइपोथेसिस। तो अब हमारी छठी विशेषता है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल साइंटिफिक टेस्ट एंड टूल्स, यानी हम जो हाइपोथेसिस ले रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड हमारा साइंटिफिक टूल्स एंड टेस्ट उपलब्ध है या नहीं, ये भी हम देख के हाइपोथेसिस लेते हैं। तो ये था हाइपोथेसिस की विशेषता, यानी एक गुड हाइपोथेसिस की विशेषता। अब हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस के टाइप क्या है। वैसे तो हाइपोथेसिस के जो टाइप है वो ज़्यादा यूज़ में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, लेकिन हम इसमें सारे हाइपोथेसिस को एक एक करके जानेंगे। तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो है वो तीन आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम हाइपोथेसिस के टाइप को जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।